वॉयेजर मानवता का दूत और अंतरिक्ष का एकाकी यात्री वॉयेजर स्पेस मिशन द ट्विन स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 वर लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इंटरस्टेलर स्पेस। माय डियर, खोज करना ह्यूमन लाइफ की एक फितरत होती है जिसके लिए वो किसी भी कंडीशन तक जाने के लिए रेडी रहता है और ह्यूमन लाइफ टाइम के साथ अपनी डिस्कवरी का एरिया बढ़ाता ही रहता है। पर क्या हो अगर हम ऐसी चीज की डिस्कवरी करें जिसका कोई अंत ही नहीं है, यानी एंडलेस। जी हाँ माय डियर, मैं हमारे यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका कोई अंत ही मौजूद नहीं है और जिसके अरबों खरबों तारे करोड़ों गैलेक्सियाँ मौजूद हैं और मानव सभ्यता को इस डिस्कवरी फितरत ने जन्म दिया। मानव हिस्ट्री के अब तक के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान यानी वॉयेजर को जन्म दिया। वॉयेजर मिशन की शुरुआत और ऐतिहासिक सफर वॉयेजर मिशन एंड इट्स हिस्ट्रिक जर्नी वॉयेजर मिशन का प्रक्षेपण लॉन्च ऑफ वॉयेजर मिशन। माय डियर, बात ऑलमोस्ट 41 ईयर एगो की है। वर्ष 1977 के अगस्त और सितंबर मंथ में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दो अंतरिक्षयान धरती से रवाना किए थे जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का नाम दिया गया था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को अमेरिका अंतरिक्ष सेंटर से छोड़ा गया था, वहीं वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। इसका मुख्य एम था सौरमंडल के ग्रहों के जुपिटर, शनि, नेपच्यून और यूरेनस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना था। इसके लॉन्च के लिए 1977 को चुनने का मुख्य कारण था जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों का एक फेवरेबल अलाइजमेंट। वॉयेजर मिशन के साथ जोड़ा गया गोल्डन रिकॉर्ड अटैच्ड विद वॉयेजर मिशन। इन दोनों यानों के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया है। गोल्डन रिकॉर्ड एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है जो एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड है जिसमें जो ह्यूमन हिस्ट्री के अब तक के सफर और हमारे अर्थ के डाइवर्सिटी और कल्चर को डिस्प्ले करते हैं। प्रेजेंट टाइम में वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। अभी यह हमारे पृथ्वी से करीब 21 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि वॉयेजर 1 से धरती पर मैसेज आने और जाने में करीब 36 हावर्स का समय लगता है, वो भी तब जब ये रेडियो संकेत 1 सेकंड में 300,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को तय करते हैं, यानी लगभग प्रकाश की गति से। वहीं वॉयेजर 2 हमारे पृथ्वी से 17 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है और यह प्रेजेंट टाइम में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है, जिसके साथ ही यह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला दूसरा मानवीय मिशन बन चुका है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि वॉयेजर 2 से अर्थ तक मैसेज आने में करीब 30 आवर्स का समय लगता है। वॉयेजर मिशन और एक लंबा सफर। वॉयेजर मिशन एंड ए लॉन्ग जर्नी। ऑलमोस्ट 41 ईयर के बाद भी ये दोनों यान अच्छे से वर्किंग कंडीशन में हैं और मानवता की निशानी दूर यूनिवर्स तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पर अब समय के साथ साथ ये दोनों ओल्ड हो चुके हैं, इनकी स्ट्रेंथ बेहद कमज़ोर हो चुकी है और इनकी तकनीक भी अब बेहद ओल्ड हो चुकी है। आज वॉयेजर यानों से आने वाले मैसेज को पकड़ने के लिए नासा को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए नासा ने दुनिया भर में बहुत सारे रेडियो सिग्नल सेंटर बना रखे हैं। इस अभियान की शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वॉयेजर यूनिवर्स में इतनी दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवाय कुछ नहीं है। वो बताते हैं कि वॉयेजर अभियान के डिजाइन पर 1972 से काम शुरू हुआ था। इस अभियान से जुड़े साइंटिस्ट बताते हैं कि वॉयेजर यानों में ग्रामोफोन या कहें गोल्डन रिकॉर्ड लगाने का उद्देश्य एक आशा थी। आशा ये कि अर्थ के अलावा यूनिवर्स में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर यान मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड में भेजा गया मानवता का एक मैसेज भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हुए हैं जो आने वाले करीब 1 अरब सालों तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान अगर वॉयेजर किसी सभ्यता के हाथ लग गया जो यूनिवर्स में कहीं बसा हुआ है
तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उनके प्रगति का मैसेज मिलेगा। वायजर मिशन और बृहस्पति ग्रह। वायजर एंड जुपिटर प्लेनेट लॉन्च के 18 मंथ्स के बाद यानी 1979 को वायजर फर्स्ट और वायजर सेकंड ने जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। दोनों यानों ने बृहस्पति ग्रह की बेहद ही साफ और इंटरेस्टिंग जानकारी भेजी। वायजर यानों ने कहीं अनसुलझे रहस्यों के भी जवाब दिए। जैसे वायजर अभियान से पहले माना जाता था कि केवल अर्थ पर ही ज्वालामुखी मौजूद है, पर वायजर यानों द्वारा भेजी गई जानकारी से पता चला कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। नासा के सीनियर साइंटिस्ट एडस्टोन का कहना है कि वायजर अभियान ने सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए हैं। पहले हमें लगता था कि केवल अर्थ पर ही सागर मौजूद हैं, पर वायजर ने हमें बताया कि बृहस्पति के मून यूरोपा पर भी मोटे बर्फ के परत के नीचे विशाल सागर मौजूद हैं। वायजर यान ने शनि ग्रह के बारे में भी कहीं चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वायजर मिशन और शनि ग्रह। उसने शनि ग्रह के छल्लू यानी रिंग की कहीं तस्वीरें भेजी हैं और हमें बताया कि शनि के उपग्रह टाइटन में हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं। इथेन और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। वायजर अभियान के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलाडस के बारे में कहीं मुख्य जानकारियों के बारे में पता चला है। आज सौरमंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना कहीं मौजूद है तो वह शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर ही है। वायजर यानों से ही हमें पता चला कि शनि ग्रह के चंद्रमा में अपार संभावना छुपी है, जिसके लिए हमें नए अभियान भेजने की जरूरत है। वायजर मिशन वरुण और अरुण ग्रह। वायजर एंड नेपच्यून एंड यूरेनस प्लैनेट्स। नवंबर 1980 में वायजर फर्स्ट ने शनि के आगे का सफर शुरू किया, जिसके ऑलमोस्ट 9 मंथ्स बाद वायजर 2 ने भी सौरमंडल के दूर के प्लैनेट्स की पड़ताल शुरू की। सन 1986 में वायजर 2 यूरेनस प्लैनेट के करीब पहुंचा, जिसमें फर्स्ट टाइम इस प्लेनेट की इतनी क्लीन पिक्चर और कहीं इम्पोर्टेंट जानकारियां हमें भेजी। यूरेनस को पार कर वायजर 2 1989 में नेपच्यून प्लेनेट के पास पहुंचा, जिसने इस प्लेनेट के बारे में कहीं चौंकाने वाले खुलासे किए। वायजर 2 ने नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन के बारे में भी कहीं खुलासे किए और हमें सबसे पहली बार पता चला कि ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर मौजूद हैं। अपने इस लॉन्ग ट्रेवल में वायजर यानों ने हमारे सौरमंडल और प्लेनेट से जुड़ी कहीं महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें अवगत कराया और सौरमंडल और प्लेनेट को देखने का हमारा नज़रिया हमेशा के लिए चेंज कर दिया। वायजर यान मनुष्य के खोजी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो आने वाले कई सालों तक मानवता का मैसेज दूर अनंत यूनिवर्स तक पहुँचाता रहेगा। वायजर और दूसरे मिशन वायजर एंड अदर स्पेस मिशन। वायजर यानों द्वारा किए गए डिस्कवरी के बुनियाद पर ही बाद में कहीं इम्पोर्टेंट अंतरिक्ष अभियान शुरू किए गए, जैसे शनि ग्रह के लिए कैसिनी ह्यूग गए अभियान भेजे गए और वहीं बृहस्पति ग्रह के लिए गलीलियो और जूनो जैसे अभियान भेजे गए। इन दोनों प्लेनेट्स को प्रमुखता देने का सबसे बिग रीजन है इनके मून, जो कि मानवता जाति के लिए अपार संभावनाओं से भरे हुए हैं। इन दोनों ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाकर हम सौरमंडल के बारे में कहीं इम्पोर्टेंट जानकारियां जुटा सकते हैं, क्योंकि सौरमंडल में बनने वाले ये सबसे पहले शुरुआती ग्रह हैं। मानव इतिहास में कुछ गिने चुने अभियान ही हुए हैं जिससे हमें इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई है। आज 40 ईयर्स बाद तकनीक काफ़ी तरक्की कर ली है, ऐसे में ये यान अब ओल्ड हो चुके हैं। वायजर मिशन के तकनीक। वायजर मिशन टेक्नोलॉजी। वायजर वर्ल्ड के पहले ऐसे अंतरिक्ष अभियान थे जिनका नियंत्रण कंप्यूटर के हाथों में था। आज इतने सालों बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी चालू करते हैं। वायजर यानों को बनाने में यूज की गई टेक्नोलॉजी हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के मोबाइल फोन और सीडी प्लेयर्स वायजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो वायजर यानों के विकास के दौरान ही खोजी गई थी। वैसे तो
अपने लंबे सफर के दौरान वायजरयानों ने कई महान और न भुला पाने वाले मोमेंट दिए हैं, पर वायजर अभियान का सबसे महान पल उस वक्त आया जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे अर्थ की तरफ घुमाए थे। उस दौरान पूरे सौरमंडल में यूनिवर्स में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली प्रकाश जैसी दिखाई दे रही थी। वायजर मिशन और इंटरस्टेलर स्पेस, वायजर मिशन इन इंटरस्टेलर स्पेस अभियान से जुड़ी साइंटिस्ट एमिली लकड़ावाला कहती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में यह एक छोटी सी नीली रंग की टिमटिमाहट ही वो एक ऐसी जगह है जहां हम जानते हैं कि जीवन मौजूद है। वो कहती हैं कि अगर भविष्य में किसी खगोलीय घटना से धरती पर से जीवन समाप्त हो गया, ऐसे में वायजरयानों के जरिए हमारी सभ्यता की निशानियां सुदूर अनंत ब्रह्मांड में बची रहेगी। 2013 में वायजर फर्स्ट अंतरिक्षयान सौरमंडल से बाहर सुदूर ब्रह्मांड में अपनी एकाकी यात्रा में निकल गया। आज यह यान गुप्त अंधेरे में अपना एकाकी सफर कर रहा है, जहां अंधेरा और ठंड के अलावा कुछ नहीं है, पर अपने अंतिम समय में भी यह कभी कभी सुदूर ब्रह्मांड की अनदेखी तस्वीरें हमें भेजता है। और हाल ही में वायजर 2 यान भी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर सुदूर ब्रह्मांड के अपने एकाकी सफर में निकल गया है। वायजर मिशनों का भविष्य, फ्यूचर ऑफ द वायजर मिशंस। इन दोनों यानों में भी के स्पेस में अर्थ से ट्रेजेक्ट किया गया था, जो कि दो अलग अलग स्टार सिस्टम में जाकर मानवता का संदेश देंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यानों में मॉलिक्यूलर बैटरी लगे हुए हैं और जल्द ही इन बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाएगा। हर साल बैटरी के बार बार कम बिजली बनती है। वायजर अभियान के प्रोग्राम मैनेजर सुजी डाट कहती हैं कि हमें बेहद ही सावधानी से वायजर अभियानों को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं और दोनों यानों के कैमरे भी बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि सुदूर अंतरिक्ष में चुप अंधेरे के अलावा देखने में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बचाकर वायजर यानों को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। आने वाले 10 में दोनों अंतरिक्ष यानों को बंद करना होगा। यह मानवता के लिए सबसे दुखद पलों में से एक होगा। हालांकि तब तक ये दोनों ही यान अपनी बेहद ही इंटरेस्टिंग लाइफ का सफर पूरा कर चुके होंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यान आने वाले कई सालों तक अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को मानवता के ये दूत फिर मिल जाए, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकेंगे। वायजर अभियान के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में हमेशा के लिए अमर रहेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो वायजर अभियान ने मानवता को हमेशा के लिए अमर कर दिया। थैंक यू गाइस।